टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस वक्त स्मार्टफोन्स टॉप पे लिस्ट के कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए, बट डू यू थिंक कैन दे रिप्लेस प्रोफेशनल कैमराज? आई थिंक नॉट. आई मीन ऑफकोर्स दे हैव द पोटेंशियल, बट कुछ वक्त लगेगा. तो आज इसलिए हम दो एंट्री लेवल अमेजिंग मिररलेस कैमरा सिस्टम्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, सोनी ZV-E10 वर्सेज द कैनन M50 और द M50 Mark II. M50 और M50 Mark II में कोई इनक्रेडिबल डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए आई विल यूज द बेस मॉडल द M50. सोनी और कैनन में से कोई भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं इन दोनों कैमरा के साथ. एक और बहुत जरूरी बात कि मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, वी विल टॉक अबाउट कि हाउ दीज कैमराज आर गुड फॉर योर कॉन्टेंट क्रिएशन, बिकॉज इन दोनों कैमराज के, तीनों कैमराज के बेसिकली टारगेट कॉन्टेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ही हैं. कंपैरिजन के लिए मेरे पास काफ़ी पॉइंट्स हैं. सबसे पहला मैं आपके पास रखूंगा लेंसेज वाला, द चॉइस ऑफ लेंसेज. आपको पता होगा कि सोनी के ई माउंट सिस्टम के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज लेंसेज बनाती हैं, राइट? सिग्मा है, टैमरॉन है और अब विल्ट्रॉक्स, जिसके लेंसेज बहुत अच्छे हैं. बट कैनन M50 और M50 Mark II की लेंस चॉइसेस कुछ हद तक लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कैनन M50 पे 50mm F1.8 कैनन का जो अपना लेंस है वो यूज़ करना है, उसके लिए आई वुड नीड एन अडैप्टर. क्योंकि M50 और M50 Mark II एंट्री लेवल मिररलेस कैमराज थे, तो अभी भी EFM माउंट के लेंसेज ढूंढना मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग कि लेंसेज नहीं है, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी हैं, आपको मिल जाती हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ देम यू नीड टू यूज एन एक्सटर्नल अडैप्टर. सो चॉइसेस ऑफ लेंसेज का पॉइंट जाता है सोनी ZV-E10 को. अब हम बात करते हैं वीडियो एस्पेक्ट्स की, कि वीडियो वाइज या फिल्म मेकिंग वाइज कौन सा कैमरा आपके लिए ज्यादा बेहतर है, या किस कैमरा के फीचर्स वीडियो में ज्यादा अच्छे हैं. तो सबसे पहले, दोनों कैमराज हाई क्वालिटी 4K वीडियो अल्ट्रा HD शूट करते हैं. स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कलर्स कैनन के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सोनी के भी अच्छे हैं, बट इन माई ओपिनियन कैनन के ज्यादा अच्छे हैं. कैनन M50 मैक्सिमम 4K पे 24 फ्रेम्स पर सेकंड ऑफर कर रहा है, बट जबकि सोनी 24 और 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी ऑफर कर रहा है. एंड नॉट जस्ट दैट, ZV-E10 आपको 1080p एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड में भी रिकॉर्ड करने की ऑप्शन देता है, जो कि एक्सट्रीम स्लो मो जिसको आप कहते हैं. बट कैनन की 1080p वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक लिमिटेड है. सोनी ZV-E10 में वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर आप 4K या 1080p में वीडियो शूट करते हो और काफ़ी देर तक, लेट से आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे तक कैमरा को लगातार शूटिंग में लगाते हो, तो ये कैमरा ना हीट होता है ना बंद होता है. अगर आप इसको डायरेक्ट पावर सोर्स से लगाओगे तो ये वीडियो शूट करता जाएगा. जबकि कैनन में वीडियो रिकॉर्डिंग की एक लिमिट है. एग्जैक्टली मुझे नंबर्स में नहीं पता, बट नॉर्मली कैमराज की लिमिट होती है 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 आवर. वीडियो एस्पेक्ट्स में एक और चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी स्टेबलाइजेशन. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डिड अ वीडियो प्रोजेक्ट विद कैनन M50 जस्ट अ वीक अगो, और मुझे पर्सनली उसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी लगी, जिसमें आपके पास डिजिटल स्टेबलाइजेशन का फीचर भी है, जो कि यूज़ करना शायद थोड़ी ट्रिकी है, बट इट कैन वर्क ग्रेट. सोनी ZV-E10 में इन बिल्ट प्रोफेशनल वाली स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, बट वो एक तरह की आपको एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है, विच इज़ गुड, बट आई डोंट पर्सनली लाइक इट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रॉप करती है. लेकिन सोनी ने अपने सेंसर में जायरोस्कोपिक डेटा रिकॉर्ड करने का फीचर डाला है, जिसको हम जायरो स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग में सोनी के अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वीडियोज़ को स्टेबलाइज करते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर प्रीटी अमेजिंग. इवन दो उसमें भी वीडियो काफ़ी क्रॉप हो जाती है, बट आई थिंक स्टेबलाइजेशन के रिजल्ट्स अच्छे हैं. सो वीडियो एस्पेक्ट्स में विनर तो बेशक सोनी है, बट ऑनेस्टली कैनन इज ग्रेट एज वेल. अब हम बात करते हैं फोटोग्राफी एस्पेक्ट्स की. इन दोनों कैमरा मॉडल्स के टारगेट फोटोग्राफर्स तो नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट फिर भी चलो हम बात कर लेते हैं. दोनों में 24 मेगापिक्सल का सेंसर है, दोनों से आप पिक्चर्स लेते हो तो बहुत ही अमेजिंग आती है. रॉ फॉर्मेट में पिक्चर्स लेकर अगर एडिट करो तो दोनों की डायनेमिक रेंज कमाल है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कैमरा की अपनी ISO रेंज होती है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए. कैनन M50 और M50 Mark II की कम है एज कम्पेयर टू सोनी ZV-E10, जिससे फर्क तो पड़ता है, बट किसी भी कैमरा में अगर आप ISO ज्यादा ऊपर लेके जाओगे आपको ग्रेन्स नजर ही आएंगे. बट कुछ वेबसाइट्स और आर्टिकल्स पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रूव करते हैं कि ZV-E10 फोटोग्राफी में भी बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल, मोर नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स, बिगर एंड बेटर ISO रेंज, इस तरह के कुछ 2-3 फैक्टर्स. इट कैन बी अ टाई, बट इन फैक्ट्स को देखते हुए, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स को भी देखते हुए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ही देते हैं, आई थिंक सोनी ZV-E10 हैज टू विन दिस पॉइंट एज वेल. अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ और कुछ बॉडी या बिल्ड फीचर्स की. सबसे ज़रूरी चीज़ जो ZV-E10 में बहुत अच्छी है, वो है हेडफोन जैक. अगर आप ऐसी YouTube वीडियोस बनाते हैं या कोई भी प्रोफेशनल ऑडियो के साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं, राइट, आपको मॉनिटर करने के लिए ऑडियो चाहिए, और उसके लिए यू नीड अ हेडफोन जैक. आपने प्लग इन करके अपने हेडफोन में ऑडियो मॉनिटर करना है, बैकग्राउंड हिस कितनी आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ कितना आ रहा है, मेरा ऑडियो कितना क्रिस्प है, क्लियर है, क्या चीज़ मुझे एलिमिनेट करनी है. सो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट. The Canon M50 does not have an headphone jack. But hey, if you don't care about background noise and everything, अगर आपको professional videos नहीं बनानी, so it's fine.
Canon without a headphone jack is good for you. In the same way, Sony की battery life Canon M50 on M50 Mark II से बड़ी है. You can take more shots on the ZV-E10 as compared to Canon M50 or M50 Mark II. बट कुछ चीज़ें कैनन के पास हैं जो सोनी के पास नहीं है. जैसे कैनन M50 और M50 Mark II में बिल्ट इन फ्लैश है जो ZV-E10 में नहीं है. कैनन M50 या M50 Mark II में एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है एक्यूरेट कलर्स और हाईलाइट्स और शेडोज देखने के लिए जो कि ZV-E10 में नहीं है. इनफैक्ट कैनन M50 की जो LCD है दैट इज मोर हाई रेजोल्यूशन देन द सोनी ZV-E10. M50 और M50 Mark II के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि आप मेन्यू से नेविगेट कर सकते हो टच स्क्रीन का फीचर यूज़ करके, बेसिकली अपनी फिंगर से. सोनी में आपको अभी तक बटन ही दबाने पड़ते हैं एंड आई हेट दैट, आई डोंट लाइक दैट. तो बॉडी बिल्ड क्वालिटी या बैटरी लाइफ में मैं चाहता तो खींच के इसको टाई बोल सकता था, बट मैं ऐसे नहीं कर सकता, वो अनफेयर होगा. फॉर मी सोनी ZV-E10 विंस दिस कैटेगरी एज वेल. बट देखो, ये सब मेरा ओपिनियन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है. आपका ओपिनियन और एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि समटाइम्स इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट योर नेचर ऑफ वर्क एंड योर प्रेफरेंस. आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट का रेफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल कंपैरिजन मौजूद है सोनी ZV-E10 और M50 और M50 Mark II का. सो इफ यू फील लाइक कि मैं सोनी की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ या ZV-E10 को एक ज़बरदस्ती का विनर बना रहा हूँ, आप जाके वेबसाइट पे देख लें और अपनी रिसर्च खुद कर लें. तो उम्मीद है इससे आपका डिसीजन थोड़ा इजी हो गया होगा कि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको कौन सा कैमरा परचेज करना है. अगर आपको सिर्फ रील शूट करनी है, डेली होममेड वीडियोस या ब्लॉग शूट करने हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कैनन. इस वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज करूँ कि सोनी लें और कैनन ना लें. इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड इट इज़ योर चॉइस. बट फॉर अ कॉन्टेंट क्रिएटर लाइक मी, मुझे बेनिफिट ज़्यादा ZV-E10 से हो. जैसे आई नीड टू शूट इन 4K फॉर मोस्ट ऑफ माई वीडियो प्रोजेक्ट्स. नो रिकॉर्डिंग लिमिट इज अ बिग फीचर फॉर मी, स्पेशली फॉर मेकिंग वीडियोज लाइक दिस. मैं 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे प्रोफेशनली स्लोमो वीडियो शूट कर सकता हूँ. इन सब के लिए मुझे बिगर बैटरी लाइफ चाहिए, वो भी ZV-E10 में है. तो मेरे ओपिनियन में ऑब्वियसली इस वीडियो का विनर है सोनी ZV-E10. आपने वैसे वीडियो के शुरू में गैस कर लिया होगा, राइट? उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी. वीडियो को लाइक जरूर करना. फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.